नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स अपने चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले इंग्लिश, बारिश आ रही है बाजू में, बारिश का आवाज आएगा, बारिश की आवाज से ज्यादा मेरा आवाज थोड़ा ज्यादा है, मैं ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने का प्रयास करूंगा। तो आज इंग्लिश देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक छोटा सा बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप बहुत सारे सीईटी के वीडियोज देख पाओगे। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पुराने कुछ वीडियो देखने हैं, सीईटी के वीडियो के सेशंस देखने हैं, सीईटी के नोट्स चाहिए या फिर सीईटी के ऑनलाइन लेक्चर्स आप देना चाहते, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हो, तो उसकी व्यवस्था हमने की है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, जो लिंक आप ये अपना आज का लेक्चर खत्म होने के बाद देख सकते हो। उस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा मराठी मीडियम, दूसरा मिलेगा इंग्लिश मीडियम। जब आप इंग्लिश मीडियम के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपको लिस्ट मिलेगी, जो लिस्ट आपके सीईटी के एग्जाम के सब्जेक्ट की है। तो उसमें से जब आप इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के ऊपर क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा पीडीएफ फाइल, दूसरा मिलेगा वीडियो और तीसरा मिलेगा ऑनलाइन लेक्चर। तो आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देखो, ऑनलाइन लेक्चर देखना चाहते हो तो ऑनलाइन लेक्चर देखो, या फिर पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी देख सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो लेक्चर होने के बाद देखिए, तो अभी हम देखते हैं, देखो दोस्तों कुछ पैसेज भी देखेंगे, पैसेज के ऊपर के कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो क्वेश्चंस देखेंगे और उसी के साथ एक्स्ट्रा ग्रामर के ऊपर के भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश की वीडियो अब तक तो मैंने नहीं देखी यूट्यूब पे, तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये पूरा पैसेज मैंने नोट्स में लिखा है, ये पूरे क्वेश्चंस और पैसेज के सहित जो नोट्स है इस वीडियो के नीचे देखिए आप बाद में, तो आपको ये पैसेज भी मिलेगा या फिर स्क्रीनशॉट भी निकाल के ले सकते हो। देखो पहले ये पैसेज के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस, तीन तो मैंने बोर्ड पे लिखे और दो है और उसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन। तो पहली बात, ये पैसेज को हम रीड करके रहते हैं। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो, जब आप सीईटी के एग्जाम दोगे तब ये पैसेज जो है ये बहुत आपका काम करने वाला है बड़ा, बिकॉज यहाँ आपका रीडिंग का स्पीड मायने करता है। रीडिंग का जो स्पीड है वो स्पीड अच्छा होना चाहिए आपका, तो फास्टली और समझ कर अच्छी तरह से एक ही बार पढ़ने का, बार बार पढ़ने की नहीं जरूरत पड़नी चाहिए ऐसे उस पैसेज को पढ़ने का, समझने का और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देखने के। तो चलो मैं पहले ये पैसेज को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन और आंसर देखता हूँ। देखो क्या दिया है, स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी लंगूर बेबी मेड द बेबी स्टेयर स्टेयर एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ओके एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप। देखो कुछ पानी के जो फवारे है झुपके, वो पानी के जो पानी जो है जो स्प्रे है, जब उस बच्चे के ऊपर मारा, छिड़कारे जो हम कहते ना पानी के, उस बच्चे के ऊपर जब मारे छोटे से बेबी लंगूर के ऊपर, तब वो थोड़ा सा हलचल करने लगा, थोड़ा सा हिलने लगा कुछ शेकी अटेम्प्ट के बाद ओके, और वो खड़ा हो गया, बैठा खड़ा होकर बैठा ओके। उसके बाद ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, तो वो पूरी तरह से शॉक में था, पूरी तरह के शॉक में था, बिकॉज उसके ऊपर अटैक हुआ था दोस्तों हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से शॉक में था एंड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग, देखो पूरी तरह से शॉक में था एंड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, जैसे हवा में जो पानी जो पेड़ का पत्ता जैसे थरथर कांपता है, उसी तरह से ये छोटा बच्चा जो है, वो बेबी मतलब ये एक लंगूर बेबी था, लंगूर मतलब एक छोटा सा जो मंकी रहता ना उस तरह का ये बेबी था। वो बेबी क्या कर रहा था, वो जैसे पेड़ का पत्ता जैसे हिलता है ना हवा में, वैसे वो हिल रहा था। हीज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स एंड ही स्टार्टेड टू सोब विथ अ मफल्ड क्राई जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। देखो अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रामा, देखो मैं धीरे धीरे व्यवस्थित ठीक से बताता हूँ। हीज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स, उसके जो छोटे छोटे आँख थे, छोटे छोटे बच्चे के वो छोटे छोटे मंकी के जो आँख थे, वो पूरी तरह से पानी से भरे हुए थे और पानी से भरने के बाद जैसा पानी चमकता है वैसे वो चमक रहे थे। ही स्टार्टेड टू सोब विथ अ मफल्ड क्राई जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, देखो छोटा बच्चा जैसे हुंदके देता है ना, हुंदकारे देता है, वैसे वो रो रहा था, तो वैसे उसकी अवस्था हुई थी ओके। लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रामा, ट्रामा बोले तो ग्रेट डिस्ट्रेस
डिस्ट्रेस, बहुत बड़ा संकट आने के बाद, जब किसी छोटे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है और संकट आने के बाद वो रोना लगता है और वो जिस तरह से रोता है उसी तरह से ये छोटा बच्चा जो है वो भी रो रहा था। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विथ ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड। मैंने क्या किया, उसको एक बनाना दिया और वो बनाना छील कर उसको दिया और उसके बाद वो छोटे छोटे उसके थर थर थे हाथों से उसने वो बनाना लिया, बिगेन टेकिंग रेजिस्टेंस बाइट, ओके, और वो बनाना लेके वो अपना खाता गया। ओके, आगे क्या हुआ, माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। मेरा पूरा अटेंशन उस बेबी लंगूर के पास था कि बाबा वो कैसे रिकवर होगा, उसके पास मेरा था पूरा अटेंशन था। मेरा मतलब क्या, ये जो राइटर है उस राइटर का अटेंशन था पूरी तरह से, मेरा माई मतलब राइटर ऐसे समझने का। ओके, सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच। सडनली मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मुझे देख रहा है, ऐसी फीलिंग मुझे हुई। किसको, राइटर को ऐसी फीलिंग हुई कि कोई तो मुझे देख रहा है, भाई कौन बंदा मेरे को देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप, मैंने जो वो कूप था, वो जो पोल्ट्री का जो कूप रहता है ना, उसके ऊपर से उसने देखा। एंड लुक अप देयर सैट द मदर लंगूर, वो जो मदर लंगूर बोले तो मदर, वो जो लंगूर जो मंकी था ना, उसकी मदर जो है ना वो वहाँ खड़ी थी, वहाँ बैठी थी। ऑन अवर किचन रूफ, उनका जो किचन का रूफ था, किचन का जो पतरा छत वगैरह रहता ना, वहाँ बैठी थी। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, जो जो राइटर उस छोटे बच्चे के लिए कर रहा था, छोटे लंगूर जो है, छोटा जो लंगूर मतलब है छोटा जो मंकी का जो एक बच्चा है उसके लिए जो कर रहा था, ये जो माँ जो है उसके बच्चे के लिए जो कर रहा था वो छोटा लंगूर, तो वो देख रही थी माँ क्या क्या कर रहा है ये। और उसके बाद शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, तो वहाँ वो एकदम शांति से बैठी थी। एज ही कन्विंस दैट नो हार्म, तो उसे कन्विंस हुआ था, उसे पूरी तरह से समझ में आया था कि नो हार्म वॉज बींग डन टू हर चाइल्ड, उसके बच्चे के लिए अभी कोई धोखा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ऐसा उसे समझ में आया था। तो इस तरह से ये पैसेज मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी हम इसके ऊपर के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। देखो पहला क्या है, हु वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, कौन था स्टेट ऑफ शॉक में, कौन शॉक में था। चार ऑप्शन है, एक बेबी लंगूर, बी राइटर, सी मदर लंगूर या डी फादर लंगूर। ये फादर लंगूर तो इधर दिखाई ही नहीं मेरे को, तो ये फादर लंगूर का कोई सवाल ही नहीं होता। कौन था, यस बेबी लंगूर, जो छोटा बच्चा था ना वो स्टेट ऑफ शॉक था, बेबी लंगूर। ये जो बेबी है ना, बेबी देखो ना यहाँ, बेबी जो है ना वो पूरी तरह से शॉक में था। मैंने बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है इस पैसेज को, इसको स्क्रीनशॉट मार लो या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिए उस लिंक पे क्लिक कर इंग्लिश के सेक्शन में जाकर वो देखे इसके नोट्स। उसके बाद वेयर सैट द मदर लंगूर, मदर लंगूर कहाँ बैठी थी, कहाँ थी, कहाँ थी वो, एक तो गार्डन में थी, एट अ गार्डन, ऑन द किचन रूफ, नियर वॉल, ऑन द रोड, कहाँ थी, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये कहाँ खड़ी थी। देखो यहाँ दिया है किचन रूफ, ऑन अवर किचन रूफ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑन द किचन रूफ, तो किचन के छत पे वो खड़ी थी। ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके लिए, अगला सवाल है, तीसरा सवाल एक लाइक के लिए, बेबी लंगूर जो है, हु ऑफर्ड बनाना टू बेबी लंगूर, बेबी लंगूर को बनाना किसने दिया। पहला आपका ऑप्शन है ए बेबी लंगूर, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, ए बेबी लंगूर, बी राइटर, सी मदर लंगूर या डी फादर लंगूर। यस प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या फिर ये जो आपका चैट बॉक्स है वहाँ लिखिए क्या आंसर है इसका। यस, अरे बहुत सारे बच्चे मेरे को तो यहाँ क्या बता रहे हैं, बी 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 ऑप्शन आ रहा है, भाई कंप्यूटर से चेक कीजिए क्या आंसर आता है। यस बी ऑप्शन करेक्ट है, राइटर, ये जो राइटर था बहुत अच्छा आदमी था, उस राइटर ने उस छोटे बेबी लंगूर को बनाना जो है वो ऑफर्ड किया था। ओके, तो मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, अभी ये स्क्रीनशॉट आप मार के लीजिए ये क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली आपको स्क्रीनशॉट मारने की भी जरूरत नहीं, इसके नोट्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आपको मिलेंगे, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तब आप उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम के सेक्शन में जाकर, इंग्लिश सब्जेक्ट में जाकर आपको ये नोट्स मिलेंगे, तो कोई खतरा नहीं, कोई वादा नहीं, नोट्स नंबर वन थे ये। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद वो पैसेज के ऊपर और उसके बाद कुछ ग्रामर के ऊपर के क्वेश्चन, तो बहुत सारी तैयारी होने वाली है आज, कहीं जाने का नहीं। ओके, कहीं नहीं जाने का, यही रुकने का, हम मिलते हैं कुछ ही सेकंड में अपने इस YouTube चैनल पे क्रिएटिव मैथ्स हिंदी इंग्लिश। ओके, कुछ ही सेकंड में, जब तक आपको अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मारकर ले सकते हो। ओके,
अभी देखो आगे के जो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ पैसेज के ऊपर आधारित है और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से अलग है जो ग्रामर के ऊपर आधारित है। देखो ये एक मैच द, ये जो टेबल इसको हमें मैच करना है, देखो सिनोनिम्स को मैच करना है इनको। देखो पहली बात, ट्रामा जो है, ट्रामा मतलब क्या, एक ग्रेट डिस्ट्रेस, मैंने बताया था बहुत बड़ा धक्का जो रहता है ना, शॉक रहता है, बहुत बड़ा संकट रहता है। तो ये हमारा वन को है ना सी आता है, देखो वन क्या रहता है सी के साथ रहेगा। कूप क्या है, केज ऑफ पोल्ट्री, कूप बोले तो छत्र रहता है ना पोल्ट्री का, केज, केज ऑफ पोल्ट्री वो कूप रहता है। तो दूसरे का क्या है, डी है। देखो ये सब ऑप्शन है, वन का सी, टू का ए, थ्री का डी, फोर का बी, क्या राइट है। स्टेयर बोले तो एकदम उसने क्या किया है, थोड़ा सा हिला डुला है, थोड़ा सा हिल गया है। स्टेयर, स्टेयर मतलब हिला है, तो हिला मतलब क्या, मूव। ये देखो मूव क्या बाबा, थ्री का ए आना चाहिए। और मोशनलेस, मोशनलेस बोले तो एकदम शांत बैठा है वो, कुछ हिला नहीं, हिल नहीं, डुल नहीं रहा, एक ही जगह पे स्थिर है वो, क्या मोशनलेस मतलब स्टिल। बोले तो बी, फोर का बी है। देखो वन का सी क्या कहा है, यहाँ और यहाँ तीन दुकान पे वन का सी है, तो तीन में से कोई, ये तो बी तो गया। सेकंड का डी है, डी कहा है, देखो ये दो तीन जगह पे डी है, ओके तो ये तो गया है, ये भी गया, अभी यहाँ डी नहीं है। थर्ड का ए है, थर्ड का ए कहा है बाबा, थर्ड का ए कहा है, ये देखो यहाँ है, ओनली यहाँ। और फोर का बी भी यहाँ है, तो आपका ए जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है, ए सॉरी डी जो है ना ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ गलती से वन लिखा गया, तो यहाँ डी चाहिए, तो ये आपके ध्यान में आया होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अभी इसके बाद आगे देखो, यहाँ तो ग्रामर है, सी सिंप्लीफाई सेट देयर क्वाइटली, तो वहाँ जो वो बैठी थी, बैठी बैठी वहाँ क्वाइटली बैठी, तो अभी चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग, करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या है। देखो इस, ये क्वेश्चन जो है, ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में का है, सी सिंप्लीफाई सेट, सेट बोले तो सीट का जो दूसरा रूप रहता है वो आता है, ओके पास्ट पार्टिसिपल उसे कहते हैं, तो सेट बोले तो ये सेट आया, इसका मतलब ये जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अभी ये पास्ट टेंस है, ठीक है, कौन सा भी है, लेकिन इसमें अभी आपको जो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो पास्ट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाता तो तब आप क्वेश्चन टैग करते समय डिड का यूज करते हैं, तो आपको डिडंट आना चाहिए, यहाँ नॉट तो नहीं है तो आपको डिडंट आना चाहिए, डिडंट तो यहाँ आता है और उसके बाद शी आना चाहिए, डिडंट शी कहाँ है, तो ये देखो यहाँ डिडंट शी, ये आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट है डिडंट शी, ठीक है। यस डिडंट क्यू, बिकॉज ये आपका ये जो है ना, ये कौन सा काल है, ये टेंस है आपका, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, इसलिए डिड यूज किया, और उसके साथ अगर वॉज रहता तो वॉजेंट सी रहता, वेर रहता तो वेरेंट नहीं, सी वेरेंट के बाद साथ सी नहीं, बाद सी नहीं आता, लेकिन वॉज रहता तो वॉजेंट, लेकिन यहाँ तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हमने क्या किया, डिड लिखा, डिडंट के बाद ये शी और क्वेश्चन मार्क दिया, कहानी खत्म। अभी अगला देखो, आई हियर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग, इसका क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या रहता है, प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी मैं सिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ मतलब कंटिन्यू है, आप सीख रहे हो, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, तो उसका क्या रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कि पहला जो है ना आपका सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद एम आता है, इज आता है या फिर आर आता है, फिर उसके बाद जो आपका जो वर्ब है उसको आई एन जी लगता है, वी आई एन जी लगता है, वर्ब को आई एन जी लगता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उसके बाद बाकी जो कुछ सेंटेंस है वो। तो यहाँ क्या होगा, आए है तो ये सब्जेक्ट आए रहेगा, आए के बाद क्या आएगा, एम आएगा, इज तो नहीं आएगा, और उसके बाद वी को आई एन जी, वर्ब क्या बाबा, हियर है, उसको आई एन जी आएगा, ओके हियरिंग, और उसके बाद जो कुछ सेंटेंस है पूरा के पूरा, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट बार्किंग वगैरह, डॉग्स आर, डॉग्स बार्किंग वगैरह आएगा। तो कहाँ है बाबा ये, देखो आई एम तो ये एक ही जगह पे दिख रहा है, आई एम हियरिंग अ ग्रुप, देखो आई एम हियरिंग अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग वगैरह वगैरह दिख रहा है यहाँ, तो आपका यहाँ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ओके दिमाग में फीडबैक बैठा होगा। अभी टेंस तो मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, जो जो टेंस आएगा उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी अगला देखो, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो देखो वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स, एंट्स मैंने आर्मी देखी एंट्स की, सॉ तो देखो सीन, सी सी सॉ, सॉ बोले तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये इसको हम कहते हैं दूसरा रूप कहते हैं ना हम हेल्पिंग वर्ब का,
तो अभी ये हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा रूप है सॉ, तो उसका मतलब ये कौन सा है, टेंस कौन सा है, ये तो आपका पास्ट टेंस हो गया और उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आ गया, सॉ आया तो मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही काफी, अगले कल के वीडियो में हम कल शायद दूसरा कोई तो सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन हर रोज शाम को 8 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ध्यान में रखो हर रोज शाम को 8 बजे हम सीईटी का जो आपका प्रिपरेशन है वो करके लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा जैसे आज हमने किया है, और उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको नोट्स भी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स चाहिए अगर आपको नोट्स, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिए, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तब आपको दो ऑप्शन आएंगे, देखो जाओ उसके ऊपर नोट्स बहुत सारे वीडियो है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन कैसा करना बताता हूँ। उस जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन, एक आएगा इंग्लिश मीडियम, एक आएगा मराठी मीडियम। तो जब आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे तो आपको वो लिस्ट आएगी, जो लिस्ट आपको ये जो आपकी सीईटी एग्जाम है ना उसके सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी, मैथ्स वन मैथ्स टू, लेकिन फिलहाल तो मैथ्स वन और हमारा जो इंग्लिश है उसको मैंने अपडेट किया है। तो इंग्लिश के ऊपर जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑनलाइन टेस्ट का मिलेगा, पीडीएफ फाइल का मिलेगा, नोट्स का मिलेगा और वीडियो का। तो आपको नोट्स लेने डाउनलोड करके तो ये सभी नोट्स जो है ना आज का जो लेक्चर है उसके नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे, इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट भी आज ही दे सकते हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो जाओ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू का जब आप बेल का बटन दबाओगे तो मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी लिंक आप तक पहुँचेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब फिलहाल तो यहाँ रुकते, फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे इसी चैनल पे क्रिएटिव मैथ्स हिंदी और इंग्लिश पे। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।